बाल मंच कार्यक्रम में आप सभी को अनुश्री शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, एग्जाम पास आ रहे हैं, आपको बहुत डर लग रहा होगा, कैसे जाएंगे एग्जाम, कैसे याद करें, पढ़े तो कब पढ़े, कौन सा टाइम सही होगा कौन सा नहीं, इसी सब के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं फाजिल सर, और आज हमें ये बताने वाले हैं एग्जाम फोबिया के बारे में। तो चलिए जानते हैं फाजिल सर से एग्जाम फोबिया के बारे में। फाजिल सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, माई नेम इज एग्जाम एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। जी हाँ, एग्जाम के आते ही आप जानते हैं कि लोगों को काफी फोबिया आ जाता है, डर आ जाता है। ये डर आता कहाँ से है? दरअसल ये डर का कारण हम ही लोग हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हमारे नेबर्स कहीं ना कहीं एग्जाम्स के बारे में इतनी ज्यादा नेगेटिव बातें कर देते हैं जिस कारण से डर बच्चों के मन में आ जाता है। इसीलिए आज हम ये कोशिश करेंगे कि ये डर कैसे दूर करें, और हर पेरेंट्स का ये काम होगा कि और टीचर्स का ये काम होगा कि अपने बच्चों को वो पॉजिटिव फ्रेमिंग कराएं, यानी कि पॉजिटिव बातचीत करें एग्जाम्स को लेकर। आप जानते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी एग्जाम दिया, लेकिन वो सफल हुए क्योंकि उन्होंने इस एग्जाम्स को, परीक्षाओं को पॉजिटिव माइंड से लिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चे शायद इसको बहुत नेगेटिव माइंड से ले रहे हैं, इसलिए उन्हें डर लग रहा है, और डर का काफी फर्क पड़ता है। डर से उनकी मेमोरी लॉस होती है, कॉन्सेंट्रेशन लॉस होता है, उनका जो लर्निंग सिस्टम है वो खराब होता है। इसके अलावा साथ साथ में आप देखेंगे राइटिंग स्पीड और उसकी रिकॉलिंग भी काफी फर्क पड़ती है। इसलिए हमें चाहिए कि एग्जाम के समय पर पेरेंट्स का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत सॉफ्टली, बहुत स्मूथली और स्पेशली डिजाइन करें कि एग्जाम के टाइम में ऑलरेडी उनके बच्चे बहुत प्रॉब्लम में हैं, बहुत टेंशन में हैं, इसके बाद कोई और तरह का ऐसा बातचीत उनसे ना करें जिससे उनका टेंशन उनका बढ़े। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बहुत सॉफ्टली उनसे बात करें, उनके साथ एक एक बैठक करें, एक सिटिंग हो जिस सिटिंग पर पेरेंट्स ये पता लगाना चाहें कि आखिर बच्चा के जो स्टेटस है, जो उसका माइंड सेट है, वो कहां पर है और किस तरह का डर उस पर काम आ रहा है। और इस तरह के बाद इसके बाद जो है हमें देखना है कि उस बच्चे का डर कैसे हम दूर करेंगे, और पेरेंट्स चाहें तो वो खुद कर सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या उनके टीचर के साथ हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि जैसे एग्जाम आ जाएगा बच्चों को माइंड सेट करना है, उनको मेंटली प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले अपने बच्चों को ये बताएं कि वो आज किस स्टेटस में है, उनका स्टेटस क्या है, और इसके बाद जब हम स्टेटस मालूम पड़ जाएगा बच्चों का, इसके बाद हम प्लान करेंगे कि उसको किस सब्जेक्ट में काफी उसको मेहनत करनी है या किस में वो अच्छा कर रहा है। जब ये हमें मालूम पड़ जाए, यानी कि आपके कोर्सेज को चार भागों में बांट लीजिए, अपने बच्चों से कहें कि वो अपने कोर्सेज को चार कैटेगरी में बांटें, ए, बी, सी और डी। ए है बेस्ट नोन, बी है लेस नोन, सी है लीस्ट नोन और डी है अननोन। इसके बाद आपके बच्चे को मालूम पड़ जाएगा कि वो किस क्वेश्चन में उसको मेहनत करनी है। जनरली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि बच्चे उसी क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते हैं जो उन्हें ऑलरेडी आता है, और इस तरह से हम काफी समय वेस्ट कर देते हैं। जनवरी में और फरवरी फर्स्ट वीक तक हमें चाहिए कि आपके बच्चे को लीस्ट नोन और अननोन, ये दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना चाहिए। इससे आपके बच्चे के पास अगले महीने में जब जिसके नजदीक आ जाएंगे एग्जाम, तो एकदम से भी पूरा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन अभी अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन छूट गए हैं, अगर उसको अभी ये पढ़ लेगा तो डेफिनेटली अगला महीना उसके लिए काफी कंफर्टेबल रहेगा और उसके पास सारे क्वेश्चंस परिचित होंगे जिसको वो जानता होगा। इसके बाद जो है सिर्फ रिविजन बचता है, और उसके बाद वो रिविजन कर सकता है, इस तरह से उसके लिए काफी आसान होगा ये पढ़ाई को करना, और इससे डेफिनेटली वो जान लेगा कि उसका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उसको किस सब्जेक्ट में, किस क्वेश्चन में उसको टाइम देना है, और इस तरह से वो देखेंगे कि वो अपने स्लॉट को धीरे धीरे करने लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका पिकअप बढ़ेगा। इसके साथ ये जो समय होता है खास तौर पर एग्जाम्स का, बच्चों की फूड यानी खान पीन का बहुत खास ध्यान रखें, क्योंकि इसमें ये काफी स्ट्रेस में रहते हैं, काफी टेंशन में रहते हैं, स्कूल का आर्स है, ट्यूशन आर्स है और फिर खुद की पढ़ाई है, इससे इनका एनर्जी लॉसेस बहुत ज्यादा होता है। तो खास पर ध्यान दीजिए कि बच्चों को एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छा फूड, विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स और साथ साथ में जिंक, आयरन, और अगर आप नॉन वेज हैं तो फिश, मीट, मिल्क, हर कुछ, और अगर वेजिटेरियन है तो जो हो सके पनीर, मिल्क और जूसेस, फ्रूट्स, सलाड्स, सब कुछ देते रहिए। जब बच्चा पढ़ाई के टेबल में बैठा हो तो वो टेबल का, उसमें जो बैठना है वो टेंशन फ्री हो। जब बच्चा आपका पढ़ रहा है सिटिंग आवर्स 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, तो बीच में भी उसे आप कुछ कुछ हल्का फुल्का खाने का दे सकते हैं, जिससे कि उसके माइंड में, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं और जब हमें टेंशन आता है, लेकिन हम कुछ चीज अगर उस वक्त खाते रहेंगे तो डेफिनेटली ये फायदा ये होता है कि हमारे माइंड का जो फ्लेवर वो बदलता है, और टेस्ट के कारण भी स्ट्रेसेस हमारे दूर हो जाते हैं। तो पेरेंट्स खास ख्याल रखें, जब बच्चा आपका पढ़ रहा हो टेबल में बैठकर, तो ये ध्यान रखें कि उसको बीच में कुछ ना कुछ सूप,
जूस, सैलेड्स या कुछ भी ऐसा कुछ जो आप दे सकें जरूर दीजिएगा। और बच्चे की सिटिंग आवर्स बहुत लंबी मत करिए, याद रखिए कि 30 मिनट्स के बाद बच्चे को एक ब्रेक जरूर चाहिए होता है। हर 30 मिनट्स के बाद आपका बच्चा एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक जो है 10 मिनट का होना चाहिए या कम से कम 5 मिनट का होना चाहिए। और ब्रेक में खास ध्यान दे कि ब्रेक में बच्चा फिर से पढ़ाई के बारे में बात ना करे। अक्सर देखा यह गया है कि पेरेंट्स ब्रेक में बच्चे से फिर पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, तो जो चेंज मिलना था उसके माइंड को वो चेंज नहीं मिला है और उसके कारण से वो फिर भी स्ट्रेस में रहता है। तो ब्रेक में बिल्कुल अलग बात होनी चाहिए, बल्कि ब्रेक में फिजिकल होना चाहिए कि थोड़ा खेल ले, एक 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 बोर्ड खेल सकता है, एक गाना गा सकता है, बेहतर है कि वो खुद करे फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जब वो पढ़ाई करता है तो ये मेंटल स्ट्रेस आता है, लेकिन जब वो फिजिकल कोई एक्टिविटी करता है तो डेफिनेटली इससे उसका मेंटल टेंशन न्यूट्रलाइज होता है। तो खास तौर पर पेरेंट्स जो है इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा स्लीप की बात करेंगे कि स्लीप कैसी होनी चाहिए। एग्जाम के टाइम में बच्चे काफी टेंशन में रहते हैं और उस टेंशन के कारण उनका स्लीप प्रभावित होता है। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा रात भर सोया है लेकिन वो काफी टेंशन में रहता है, इस कारण से जो साउंड स्लीप उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जैसे ही स्लीप उसका डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली उसके ब्रेन के सारी क्षमताओं पर, उसके एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है, उसकी लर्निंग पर, उसके मेमोराइजिंग पर, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर, उसके कॉन्फिडेंस पर, उसके एटीट्यूड पर और उसके रिकॉलिंग पावर पर। तो बेहतर स्लीप के लिए जरूरी है कि बच्चा अच्छा सोए, तो कम से कम 6 घंटे सोए। इसके अलावा अगर दोपहर के समय वो 20 मिनट्स का एक छोटा स्लीप ले तो भी बेहतर होगा। इस तरह की अच्छी स्लीप बच्चे को बहुत फायदा पहुंचती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है, उसका पिकअप इंप्रूव होता है, उसकी ग्रास्पिंग इंप्रूव होती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ ये देखें कि आपका बच्चा जब पढ़ाई करता है तो ग्रुप स्टडी अगर वो करना चाह रहा है तो जरूर उसको फेवर करें। कुछ लोग मना कर देते हैं ग्रुप स्टडी के लिए, ग्रुप स्टडी से टेंशन कम होता है, टेंशन शेयर हो जाता है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि जब बच्चा किसी के साथ पढ़ रहा है, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, और बच्चों को भी खास ध्यान रखना चाहिए कि ग्रुप स्टडी ऐसा नहीं कि मुझे भी फिजिक्स नहीं आता और मेरे दोस्त को फिजिक्स नहीं आता और हम ग्रुप स्टडी करेंगे, ये गलत तरह गलत स्टडी होता है, ये कन्फ्यूजन टॉकिंग होता है, कंक्लूजन नहीं होता है। तो आप ये देखिए जिसमें आपका दोस्त बेहतर है और आप उसमें बेहतर नहीं है, इस सब्जेक्ट में हम ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। इसे अगर हम पॉजिटिव फ्रेमिंग बनाएंगे ग्रुप की तो डेफिनेटली काफी हमें हेल्प होगा। एनर्जी लेवल बहुत हाई रखें। एग्जाम के टाइम में बच्चों का एनर्जी लेवल काफी गिर जाता है, इसका कारण है फोबिया, डर, परेशानी या फिर बहुत ज्यादा कोर्स हो जाता है, क्योंकि हम साल भर शायद उतना नहीं पढ़ पाते हैं और आखिरी टाइम पर हम पढ़ने बैठते हैं ये कारण से। तो एनर्जी लेवल मेंटेन रखें, माइंडसेट पॉजिटिव रखें, कॉन्फिडेंस हमेशा ज्यादा रखिए और फिर देखते जाइए एग्जाम्स आपके लिए आसान से आसान होता जाएगा। एनर्जी लेवल के लिए आप लगातार कुछ कुछ ड्रिंक्स ले सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं और जो चीज आपको पसंद है, खास तौर पर जो डिशेस आपको पसंद है वो जरूर खाएं। एग्जाम के टाइम में बच्चे अक्सर खाने से भाग जाते हैं क्योंकि वो उनके दिमाग में टेंशन रहता है। पेरेंट्स खास ध्यान रखें कि उसको वो उसकी लाइकिंग डिश दीजिए। लाइकिंग डिश से क्या होता है, उसको कंफर्टेबल लगता है, उसको मजा आता है, उसको अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। पॉजिटिव टॉक, माँ बाप, मम्मी, पेरेंट्स, हर लोग बच्चे से पॉजिटिव होकर बात करें। और खास तौर पर आपको मैं ये सलाह दूंगा कि एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखें, जीरो एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स बन जाइए, क्योंकि आज अगर आप एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं तो इससे आपके बच्चे पर काफी बड़ा टेंशन होता है, परफॉर्मेंस टेंशन हो जाता है और परफॉर्मेंस टेंशन बच्चे को बहुत नेगेटिव उसके माइंड पर लाता है। तो इस वक्त बात करनी है बच्चे सिर्फ ये कि उसको आप क्या हेल्प कर सकते हैं। तो पेरेंट्स चाहे तो उसको कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हैं जो वो अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में एक्सेप्ट करते थे या उसको फॉलो करते थे, वो टिप्स डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के साथ। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, मत बोलिए कि उसको 98 या 97 लाना है या पड़ोस का बच्चा कितना परसेंट ला रहा है, ये सब बातें मत करिए, इससे बच्चा जो है पीछे हो जाता है, डिमोटिवेट होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस एग्जाम में आपका बच्चा टोटल फिटनेस रखे तो उसका मेंटल, फिजिकल और उसका एटीट्यूड सब कुछ अच्छा रखें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करें, ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे पाए। और रिजल्ट चाहे कोई भी हो, आपको ये कोशिश करनी है कि उसका इनपुट बढ़ना चाहिए और इनपुट बढ़ने के लिए हर हाल में आपका जो कोऑपरेशन है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ताकि आपका बच्चा बने एग्जाम कॉन्फिडेंट और इस एग्जाम को बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्म करे। और इस बार जो भी रिजल्ट आए वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोशिश करें कि आपका जो बच्चा है उसका जो इंटरेक्शन आपसे होते रहना चाहिए। अगर बच्चे एग्जाम टाइम में बहुत देर खामोश हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं एग्जाम के बारे में, तो भी ये डर होता है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये डिप्रेशन जाता है और बाद में फिर ये डिप्रेशन किसी और बड़ा रूप ले लेता है, किसी
एक्सीडेंट का रूप ले लेता है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि बच्चे से लगातार बात करते रहिए। अगर वो उसके मन में कोई डर है, फोबिया है, फियर है, तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो किसी आप एक्सपर्ट से मिल सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। बच्चे आखिर बच्चे हैं, ये चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा करें, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि वो उतना समय पर घबरा जाते हैं या परेशान होते हैं। तो पेरेंट्स का काम होता है कि उनके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करें और आप देखते जाइएगा कि बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनका एटीट्यूड बदलेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे।